नमस्कार, लिनक्स में सिंपल फिल्टर्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ हम हेड, टेल, सॉर्ट, कट और पेस्ट के बारे में सीखेंगे। यह सारे कमांड लाइन टेक्स्ट मैनिपुलेशन टूल्स हैं। यदि आप टर्मिनल पर हैश चिन्ह देखते हैं तो आपको उन कमांड्स को निष्पादित करने के लिए रूट बनना होगा, सूडो su और su रूट। यदि आप टर्मिनल पर डॉलर चिन्ह देखते हैं तो एक सामान्य उपयोगकर्ता उन कमांड्स को निष्पादित कर सकता है। मैं ये मानती हूँ कि आपने डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन की है और पाथ में कहीं बदलाव नहीं लाया है जहाँ फाइल्स सेव हो रही हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबंटू 10.10 इस्तेमाल कर रही हूँ। इस भाग के लिए आपको माउस तथा कीबोर्ड का प्रयोग करना और विंडो पर मैक्सिमाइज तथा मिनिमाइज बटन का प्रयोग करना आना ज़रूरी है। एक फाइल की पहली 10 लाइंस को प्रदर्शित करने के लिए हम हेड कमांड देते हैं, उसके बाद एक ASCII फाइल नाम देते हैं। चलिए एक फाइल बनाते हैं। व्यवहारिक रूप में इसे दिखाने के लिए मैं एस्केप की दबा रही हूँ। एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, टेक्स्ट एडिटर पर जाएं। समय की कमी के कारण मेरे पास यह नंबर्स पहले से ही एक और फाइल में हैं। इन्हें मैं कॉपी करूंगी और पेस्ट करूंगी। फाइल पर क्लिक करें और सेव करें। फाइल को numbers.txt नाम दें और सेव पर क्लिक करें। इस फाइल को बंद करें। अब एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, टर्मिनल पर जाएं। अब देखने की कोशिश करते हैं जो फाइल हमने बनाई थी, यदि हम उसे देख सकते हैं। टाइप करें ls और एंटर दबाएं। हमने यहाँ जो किया उससे हमारी होम डायरेक्टरी पर सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स दिखाई देंगे। हमने जो फाइल बनाई है उसके कंटेंट्स को पढ़ने के लिए cat कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। cat num फाइल नेम को ऑटोफिल यानी अपने आप आने के लिए टैब दबाएं और एंटर दबाएं। चलिए ऐसा ही हेड कमांड के साथ करते हैं। हेड numbers.txt एंटर प्रेस करें। अब पहली 10 लाइंस प्रदर्शित हुई हैं। यदि हमें पहली 5 लाइंस देखनी है तो हेड कमांड तथा फाइल के बीच -n5 ऑप्शन का प्रयोग करें। अब एरो -n5 दबाएं और एंटर करें। अब सिर्फ पहली 5 लाइंस प्रदर्शित हुई हैं। प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। F5 टेल कमांड हेड कमांड के बिल्कुल विपरीत काम करती है। यह डिफॉल्ट रूप से आखिरी 10 लाइंस प्रदर्शित करती है। टर्मिनल पर वापस जाने के लिए मैं ऑल्ट टैब प्रेस कर रही हूँ। टेल numbers.txt यदि हमें आखिरी 5 लाइंस देखनी हैं तो टेल कमांड तथा फाइल नेम के बीच -n5 ऑप्शन का प्रयोग करें। -n5 एंटर करें। स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। एक लॉग फाइल में सिस्टम में हुए इवेंट्स यानी कार्यक्रम मौजूद होते हैं। auth.log फाइल जो लॉगिन होते हैं तथा जो लॉगआउट होते हैं उनका लॉग बनाए रखता है। टेल कमांड का सबसे उपयोगी ऑप्शन है -f ऑप्शन का प्रयोग कर लॉग फाइल की टेल का अनुसरण करना। यदि लॉग फाइल में एक नई लाइन जोड़ी जाती है तो टेल कमांड उसे आखिरी लाइन मानेगा और डिफॉल्ट रूप से इससे ऊपर 10 लाइन्स दिखाएगा। टर्मिनल पर जाएं। टेल -f /var log auth.log इस टर्मिनल की साइज बदलते हैं। चलिए एक और टर्मिनल ओपन करते हैं। एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, टर्मिनल। टर्मिनल का साइज बदलते हैं ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर बता सके कि लॉग फाइल में टेल आखिरी लाइन का कैसे पालन करता है।
एसईओ की अपने रूप में कोशिश करें। एंटर दबाएं, कुछ गलत पासवर्ड दीजिए और एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि टर्मिनल पर टेल जो रन हो रहा है एक नए लॉग के साथ जोड़ा गया है। तारीख और समय निर्दिष्ट करती है कि कब ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण विफल हुई है। डेट टाइप करें। सिस्टम की डेट तथा टाइम को जांचने के लिए एंटर दबाएं। इस टर्मिनल को बंद करने के लिए एग्जिट टाइप करें। टेल कमांड जो रन हो रही है उसे बंद करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करें और टर्मिनल को मैक्सिमाइज करें। हमने पिछले उदाहरण में सिर्फ auth डॉट लॉग फाइल देखी। यह लॉग फाइल्स लिनक्स में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। यदि कोई समस्या है तो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसकी मशीन को ट्रबल शूट करने के लिए इन लॉग फाइल्स में अधिक जानकारी पाने के लिए देखेगा। सॉर्ट कमांड जैसे कि नाम से पता चलता है एक फाइल को हमारे लिए दोनों आरोही तथा अवरोही क्रम में सॉर्ट यानी छांटती है। नंबर्स डॉट टी एक्स टी यह हमारी फाइल को आरोही प्रकार में क्रमबद्ध करेगा। ध्यान दें कि कुछ अजीब है, यहाँ सॉर्ट करते वक्त सॉर्ट बस पहले अक्षर को देखता है, इसलिए 10, 11 और 12 नंबर 2 के पहले आता है। इससे बचने के लिए ऑप्शन हाइफन एन को जोड़ें और एंटर प्रेस करें। अब सॉर्ट पूरे नंबर को देखता है। उन्हें सॉर्ट करने के लिए नंबर्स डॉट टी एक्स टी को उल्टे क्रम में सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन हाइफन आर को जोड़ें। इस फाइल में नंबर्स हैं जो दोबारा आए हैं। विशिष्ट नंबर्स को निकालने के लिए हाइफन यू ऑप्शन के अन्य ऑप्शन को जोड़ें। टर्मिनल पर जाएं, अप एरो, यू एंटर करें। पिछली बार 2 दिखाए थे, अब सिर्फ 1 2 दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि किसी कॉलम के आधार पर कैसे एक फाइल सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए एक फाइल बनाते हैं और की इन करें जैसे कि बताया गया है। एप्लीकेशन पर चलते हैं, एक्सेसरी और टेक्स्ट एडिटर पर जाएं। समय की बचत के लिए पहले से ही एक अलग फाइल में डेटा है जिसे मैं कॉपी और पेस्ट करूंगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फाइल मार्क्स डॉट टी एक्स टी नाम से इसे सेव करें। सेव पर क्लिक करें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कम अंक मिलने पर मुझे कुछ कहे। इस फाइल को बंद करते हैं। मार्क्स डॉट टी एक्स टी फाइल के दूसरे कॉलम के आधार पर सॉर्ट करें। टर्मिनल पर जाएं, स्पेस मार्क्स डॉट टी एक्स टी स्पेस हाइफन टी स्पेस ओपन इन्वर्टेड कॉमास स्पेस क्लोज इन्वर्टेड कॉमास स्पेस, यहाँ हाइफन टी डिलिमिटर के लिए है और कोट्स के बीच का स्पेस उसे दर्शाता है। हाइफन के टू दूसरे कॉलम के लिए है जिस पर सॉर्ट प्रदर्शित होगा। एंटर प्रेस करें। कैट मार्क्स डॉट टी एक्स टी यह ओरिजिनल फाइल है। यदि आप देखते हैं कि अविर ऊपर चला गया है और बाला नीचे आया है जब हमने दूसरे कॉलम के आधार पर सॉर्ट किया। कट कमांड का उपयोग एक फाइल से कुछ जानकारी कट कमांड का उपयोग एक फाइल से कुछ जानकारी कट करने के लिए किया जाता है। चलिए मार्क्स डॉट टी एक्स टी में से कुछ नाम निकालते हैं। टर्मिनल पर ऑल्ट टैप करके जाएं।
कट स्पेस मार्क्स डॉट टी एक्स टी स्पेस हाइफन डी स्पेस ओपन इन्वर्टेड कॉमास स्पेस क्लोज इन्वर्टेड कॉमास स्पेस। यहाँ कट कमांड में डी एक डिलिमिटर है और उद्धरण चिन्ह के भीतर का स्पेस डिलिमिटर को दर्शाता है। हाइफन एफ टू दूसरे कॉलम के लिए है, एंटर प्रेस करें। पेस्ट कमांड फाइल्स की समरूपी उत्तरगामी लाइंस को मर्ज करेगा यानी जोड़ेगा। अब नंबर्स डॉट टी एक्स टी तथा मार्क्स डॉट टी एक्स टी दोनों फाइल्स का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल पर जाकर नंबर्स डॉट टी एक्स टी मार्क्स डॉट टी एक्स टी पेस्ट करें और एंटर दबाएं। अब मार्क्स डॉट टी एक्स टी की पहली लाइन नंबर्स डॉट टी एक्स टी की पहली लाइन से जोड़ी गई है। आउटपुट को कॉनकैट फाइल डॉट टी एक्स टी नामक फाइल में पुनः निर्दिष्ट करने के लिए हम रीडायरेक्ट की का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल पर जाएं, अप एरो, रीडायरेक्ट की को प्रेस करें जो ग्रेटर दैन चिन्ह है, एंटर दबाएं। कैट कॉनकैट फाइल डॉट टी एक्स टी। अब स्लाइड पर जाएं। यदि हम चाहते हैं कि पेस्ट नंबर्स को क्रमानुसार दिखाएं, टैब द्वारा उसे डिलिमिट करें, हम हाइफन एस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पेस्ट हाइफन एस नंबर्स डॉट टी एक्स टी। स्लाइड पर जाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।